कैथल पुलिस को गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के दौरान रिमांड के समय और जमानत से संबंधित नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कैथल जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानिया ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए फैसलों, भारतीय संविधान की धारा 21 और CRPC की रोशनी में पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। वर्कशॉप के बाद कैथल के CJM डॉक्टर अशोक कुमार और एडवोकेट अरविंद खुरानिया ने पत्रकारों से बात की। आइए इस बातचीत के मुख्य अंश सुन लेते हैं। जो अरेस्ट से पहले की जो स्टेज होती है उसमें भी लीगल एड का राइट है, उस चीज़ को सेंसिटाइज करने के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ के प्रति वो अवेयर हों कि ये जो लीगल एड है वो प्री अरेस्ट स्टेज पे भी उपलब्ध है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इस मिशंस को, कंपेन को पॉपुलर बनाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ पे स्कीम्स है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है और हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो जो लीगल एड, लीगल सर्विसेज टू द चिल्ड्रन, लीगल सर्विसेज टू द वीमेन, उनके लिए स्कीम्स है, पर्टिकुलरली स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम कर रही है और वो स्कीम्स का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है डेट टू बेनिफिट टू द वीमेन एंड द चिल्ड्रंस। तो इवन अदरवाइज इसके अलावा भी जो भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वीमेन्स के लिए जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स से भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एड प्रोवाइड करते हैं वीमेन को भी और चिल्ड्रन को भी। हमारे यहाँ पे सेक्शन 12 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में इंटाइटलमेंट दी गई, कौन कौन से लोग लीगल सर्विसेज के लिए इंटाइटल हैं। सभी लोग नहीं हैं, जो लोग जैसे वीमेन है वो प्री लीगल सर्विसेज के लिए इंटाइटल्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और चिल्ड्रन हैं, SC स्टूल कास्ट हैं, स्टूल ट्राइब्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो अगर वो इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है कि जो है ना जी हमें बनिएगा, जो भी एज पर रूल जो होता है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी उसमें अपना पूरा रोल प्ले करती है। अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। हम जैसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, गाँव में करते हैं, जेल में करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बहुत बेनिफिटेड हो रहे हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सारी हैं लीगल सर्विसेज अवेल करने के लिए और क्वालिटेटिव लीगल सर्विसेज, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, दो तरह की होती है लीगल सर्विस, एक तो कोर्ट बेस्ड लीगल सर्विस, एक आउट ऑफ कोर्ट। कोर्ट बेस्ड लीगल सर्विस में ऐसा सपोज कि कोई आदमी को अरेस्ट कर दिया, उसको कोर्ट में पेश कर दिया और उसके पास उस टाइम पे एडवोकेट्स नहीं है, तो हमारे रिमांड के दौरान हमारी वहाँ पे लीगल एड के जो है एडवोकेट वहाँ प्रोवाइड रहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो एक्यूज्ड है जिसको पेश किया जाता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी जो फीस है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वहन करती है। और अगर वो एक्यूज्ड जिसको कोर्ट में पेश किया गया है वो ये कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं जो है अपना काउंसिल प्राइवेट एडवोकेट में एंगेज नहीं कर सकता, तो हम उनकी ओरल एप्लीकेशन, ओरली अगर बोले या रिटन एप्लीकेशन, उन दोनों पे जो है ना हम उसी टाइम लीगल एड के पैनल से हम एडवोकेट प्रोवाइड कर देते हैं जो उनके उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे केस रेफर होके आते हैं मेडिसिन सेंटर में फ्रॉम द कोर्ट्स, जो कोर्ट्स में सपोजिंग कि आपको कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में और वो दोनों पार्टी कहते हैं हमारे जो है ना केसेस में कंप्रोमाइज के चांसेस हैं, तो कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज तो उस केस को है ना हमें रेफर कर देती हैं। तो जैसे रेफर करते हैं तो हमारे पास ना ट्रेन मेडिएटर हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो फिर दोनों पार्टियों की आपस में जो है ना सीटिंग देकर के उसको जो है सॉर्ट आउट करवाते हैं। टीम से सारे डिपार्टमेंट को के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम समय समय पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और जैसे ओल्ड एज पेंशन है और आधार कार्ड है, सीनियर सिटीजन कार्ड हैं जिनके नहीं बनते, जो लोग एंटाइटलमेंट है, तो हम समय समय पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं उन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जो भी जरूरतमंद होता है उनका ऑन द स्पॉट कर जो है ना वो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट उनको दिलवाते हैं। और अगर हमारे पास वैसे भी रूटीन में एप्लीकेशन आती हैं
तो हम उन एप्लीकेशन को इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं, उनसे फिर कंप्लायंस रिपोर्ट मांगते हैं और जल्दी ही जो है एप्लीकेशन पे कार्रवाई होकर उनको बेनिफिट मिल जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में धारा 12 में पूरा प्रोविजन दिया गया है कौन फ्री लीगल एड ले सकता है, किस किस को फ्री में वकील दिया जा सकता है। जो जेजे एक्ट 2015 है उसमें बच्चे को जनरल पुलिस नहीं पकड़ सकती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई गई है हर थाने में और वो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट रूम में ही बच्चे को लेकर जा सकते हैं। पुलिस वाला वर्दी में बच्चे को गिरफ्तार नहीं करेगा, हैंडकफ नहीं करेगा, 24 घंटे के अंदर उसको जेजे बोर्ड में पेश करेगा और उसकी सारी सुविधाओं की पूर्ति करवाएगा। ये शिकायत फर्जी है या सही है वो अपराध की समीक्षा पुलिस करती है। हम किसी भी शिकायत को पहली स्टेज पर नहीं कह सकते कि ये फर्जी है या सही है, वो अधिकारी करते हैं, समीक्षा करते हैं, पुलिस अधिकारियों का काम है और पुलिस अधिकारियों की समीक्षा न्यायालय करता है। लीगल सर्विसेज ऐसे सभी जरूरतमंद लोगों को लीगल एड देती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कि वर्कशॉप का पर्पज है जिला पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अरेस्ट के समय, रिमांड के समय या पूछताछ के समय व्यक्ति को हमारे संविधान की आर्टिकल 21 के तहत जो उसके लीगल राइट्स हैं उसकी पूर्ति कराना, उसको हर स्टेज पे वकील मिले, उसके अधिकारों की कहीं भी कटौती ना हो, बेवजह से किसी को टॉर्चर ना किया जाए, समय रहते उसको बेल मिल जाए, इसके लिए हम पुलिस के अधिकारियों को आज सेंसिटाइज कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे आज की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, लीगल सर्विस अथॉरिटी के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।